My name is Fatma. Welcome to the Medic Spray Point. Don't forget to like and subscribe to get more such videos, material and guidance. So let's begin our today's topic. आज हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हमारा चैप्टर है. ठीक है, इसमें प्रेजेंट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंट्स एंड ट्रिक्स. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक हो गया, तो हमें ना इनको मेमोराइज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इनको हमने मेमोराइज़ करने के लिए एक निमोनिक कह सकते हैं या फिर एक इजी सा फॉर्म कह सकते हैं जो हमने इनको दिया है. हमने इनको लिख लेना फॉर्म बीपी. ठीक हो गया, और ऊपर आपने याद रख लेना इसमें 1 2 2 3 1 2. ठीक है, 1 2 1 2 साइड पर और दरमियान में लिख लेना आपने 2 3. ठीक है, एफ से फॉर्मिक एसिड, ए से एसिडिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड और थैलिक एसिड. ठीक हो गया, और जो फर्स्ट फोर है ना ये है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं. ठीक है, और ये वाले जो दो है ना बेंजोइक एंड और जो थैलिक हैं ये एरोमेटिक हैं. इसमें याद रखना है बेंजोइक हमारे पास मोनो है और जो थैलिक एसिड है दैट इज़ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. वेयर एज हेयर यहाँ पे अगर हम लोग देखें इन केस ऑफ द एलिफैटिक एसिड्स तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास फॉर्मिक और एसिटिक हैं ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जबकि हमारे पास ऑक्सैलिक और मेलोनिक हैं ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं. ठीक हो गया, इसका क्या मतलब है कि डाई कार्बोक्सिलिक और मोनो कार्बोक्सिलिक. मोनो कार्बोक्सिलिक में नाम पता हमें चल रहा है कि एक कार्बोक्साइल ग्रुप होगा, COOH एक होगा, और जो है डाई कार्बोक्सिलिक में दो COOH होंगे. एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है, दो एसिड्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो ये तो हमें याद आ जाता है 1531 और 1735. ठीक है, कि मतलब छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा. ठीक है ना, 1531 और 1731 के नेम्स एक है पामेटिक एसिड के, एक है स्टेरिक एसिड. ये हमें कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कौन सा किसका नेम था. तो इस तरह उर्दू में जिस तरह हम 15 को 15 और 17 को 17 कहते हैं, तो हम इससे याद रख सकते हैं 15 P से ना और P फॉर पामेटिक एंड 17 से क्या है 17 S से बन रहा है और यहाँ पर स्टेरिक. ठीक है, 17 स्टेरिक 15 पामेटिक. ओके, फिर हम इनकी देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट. इसमें हमने याद रखना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज़ होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता जाएगा. एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं. यहाँ पे हमारे पास 1 कार्बन है, 2 कार्बन्स हैं एंड हेयर, यहाँ पे 2 C2 और यहाँ पे एक ये 3 कार्बन्स हैं. तो यहाँ पे कितना है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 118 और 141. जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है. फिर हम देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट में. इसमें याद रखना है कि जो इवन कार्बन नंबर्स होंगे ना, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, इवन होंगे जिन एलिमेंट्स के और सॉरी जिन कंपाउंड्स के, उनका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा एज कम्पेयर टू कि उनसे जो अगले वाला एलिमेंट है कि हायर कार्बन नंबर है लेकिन ऑड कार्बन नंबर है, तो उसका क्या होगा, लोअर होगा मेल्टिंग पॉइंट. एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब 3 है, ये तो है ही ऑड ना, इसको एक दफ़ा निकाल देते हैं. ठीक है, हमने बात की है इवन नंबर. ठीक है, 4 कार्बन है ना, तो इसका है यहाँ पे -6 डिग्री सेल्सियस, तो इससे अगले वाला इससे बड़ा है, 4 मतलब 5 कार्बन लेकिन है ऑड, तो फिर भी किसका है, इवन कार्बन नंबर वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है. और याद रखना है कि इसमें क्या होता है, जो माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी छोटी होती है और जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी, इसलिए -6 छोटा है तो मतलब ये उतनी बड़ी वैल्यू है, -36 बड़ी वैल्यू मतलब ये उतना ही छोटा फिगर है. फिर हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट ईस्टर्स हैं और इनके फॉर्मूलाज, इन्हें हम किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, लाइक अमाइल एसिटेट AAR और बनाना में भी AAR है, इस तरह से याद रखेंगे. आइसो ब्यूटाइल फॉर्मेट, ब्यूटाइल दरमियान में बी आ रहा था, हम इसको याद रखेंगे रास बैरी. ठीक है, बी और बी स्टाइल थाइल ब्यूटारेट. ER पाइनएप्पल में भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इससे याद रखेंगे अमाइल ब्यूटारेट, मतलब कि ये क्या होगा, ए से ही क्या हो गया अमाइल ब्यूटारेट, ए से क्या हो गया एप्रिकॉट और ओटाइल से ऑफर ओटाइल एंड ऑफर ऑरेंज. और एक बजत है बस बेंजाइल लैक्टेट, इसमें सिंपली क्या होगा जैस्मीन इसका फ्लेवर. ओके, वन मोर थिंग कि जितने भी हमारे पास होते हैं ना नेचुरली अक्रिंग अमाइनो एसिड्स, ऑल दे आर जो होते हैं वो कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, और दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिक और एसिडिक. हमें पता है कि अमाइनो एसिड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है और एक उसके अंदर क्या होता है अमाइनो ग्रुप होता है. तो जिसके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप होंगे या फिर ज़्यादा नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स होंगे तो वो क्या होगा, उतना ही बेसिक होगा, और जिसमें 2 कार्बोक्साइल ग्रुप्स होंगे वो उतना ही एसिडिक होगा. ठीक हो गया, आई होप दैट यू ऑल पीपल फाइंड इट टू वेरी हेल्पफुल. दैट वॉज ऑल अबाउट द सम बेसिक पॉइंट्स ट्रिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. थैंक यू सो मच.